हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेगा स्लिप्स ब्लाउज कटिंग करके दिखाने वाली हूँ और उसका स्टिचिंग भी करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना उसको किस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। देखिए ये इसका मेजरमेंट है, इसका जो लेंथ है, जो लंबाई है ब्लाउज का, वो 13.5 इंच। जो उसका चेस्ट है वो 34 है और वेस्ट है 30, कमर मतलब फुल वास्ट है उसका 36 और बस्ट पॉइंट है 10.25 और फ्रंट नेक है 9 और शोल्डर है 14 इंच मतलब 14 इंच। तो ये हिसाब से मैं काटिंग करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये 80 सेंटीमीटर मैंने कपड़ा लिया, ये कपड़ा के ऊपर मैं डायरेक्ट आज कटिंग करने वाली हूँ। अभी देखिए ये जो ब्लाउज है बैक साइड से बंद है। तो देखिए ब्लाउज का जो लंबाई है वो देखिए 13.5 इंच है। तो सारे जितना लंबा है उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है, जैसे कि 14.5 लिया। देखिए 14.5 इंच पे मैं इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद बंद गला है इसलिए ऊपर का तरफ मैं और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। टोटल मैंने देखिए कितना लिया, 15.5 इंच लिया मैंने। अभी ये लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके लेना है। देखिए अभी जो ये है शोल्डर है वो 7 है, तो 7 इंच पे इस तरह से उसको ड्रॉ करके ले रही हूँ। शोल्डर मतलब उसका आर्म होल भी मैं 7 ही ले रही हूँ। जितना मैंने शोल्डर लिया उतना ही मैं आर्म होल के लिए भी 7 ही लिया। इस तरह से ड्रॉ कर देना है। देखिए 7 इंच पे मैं ड्रॉ किया। अभी ये चेस्ट का लाइन है, देखिए ये चेस्ट का लाइन है। चेस्ट कितना है देखिए, चेस्ट 34 है। 34 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए 8.5 आया। 8.5 और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया मैंने। आप चाहे तो उससे कम भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो, आपका हिसाब सब ले लीजिए, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। अभी देखिए कमर देखिए कितना है, कमर 30 है। तो 30 को 4 से डिवाइड करना है। 30 को 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 7.5। और 1 इंच बैक साइड का जो टक्स है उसके लिए ले रही हूँ। टोटल देखिए 8.5 हो गई और सिलाई मार्जिन ले रही हूँ मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। देखिए 1.5 इंच मैंने लिया। इस तरह से लेने से आ जाएगी, मतलब देखिए कितना हो रहा है, इधर टोटल 10.5 है चेस्ट, इससे 1/2 इंच ऐसा भी कम लेने से बराबर आ जाती है। इसलिए मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ, जितना आपका चेस्ट है उससे 1/2 इंच कम ले लीजिए तो इसमें बराबर आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो बाद में कट कर सकता है। ये लाइन को इस तरह से जोड़ देना है, देखिए इस तरह से जोड़ देना है। अभी देखिए बैक साइड का जो गला है पीछे का, वो गला का जो चौड़ाई है वो मैं 1 इंच पे ले रही हूँ, मतलब 3 इंच लिया यहाँ से। देखिए यहाँ से 3 इंच लिया, गला का जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच लिया मतलब 3 इंच, और नीचे का तरफ मैं 1 इंच रख रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 भी रख सकते हो, मैं 1 इंच रख दिया। ये लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके ले रही हूँ। फिर इसको मैं थोड़ा राउंड पे इसको इस तरह से इसको शेप दिया, देखिए इस तरीके से। अभी देखिए जो मेगा स्लिप्स ब्लाउज है उसको इस तरीके से ही रखना है। देखिए ये शोल्डर है, शोल्डर को इस तरीके से ही रख देना है। देखिए पूरा शोल्डर को ले लेना है, इसके सब जॉइंट कर देना है। देखिए ये जो चेस्ट का लाइन है इसके साथ जॉइंट कर देना है, इसको कौन सा भी शेप नहीं देना है आपको। जब भी फिटिंग करना है इसके साथ फिटिंग करने के बाद ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा ये अंदर मतलब मोड़ के लेना है। मैं सिलाने के टाइम पे आपको दे दूँ दिखाऊंगी। अभी देखिए बैक साइड का जो टक्स है वो यहाँ से देखें 5 इंच मैंने लिया। ऊपर का तरफ भी मैंने 5 इंच उठाया। फिर ये 1/2 इंच का टक्स दे देना है, टोटल 1 इंच का टक्स ले लेना है। देखिए एक वाला गला छोड़ के, देखिए एक गला छोड़ के आप कहाँ पर भी मतलब ये जो शोल्डर और ये गला के बीच में कहाँ पर भी टक्स का जो पॉइंट है वो आप ले सकती हो। यहाँ से आप 4.5 भी ले सकती हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये अभी हो गया है, इसी तरीके से मैं इसको पूरा कटिंग करके ले रही हूँ। और एक बात है, इसको शोल्डर भी डाउन करना है। देखिए इसको शोल्डर डाउन करना है, इसको कितना 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देना है। देखिए इस तरीके से उसको 1/2 इंच मैं इस तरीके से डाउन कर दिया ये शोल्डर को। अभी इसको इस तरीके से उसको रख देना है। देखिए इस तरीके से उसको शोल्डर को मैंने डाउन कर दिया, यहाँ से देखिए यहाँ 1/2 इंच डाउन कर देना है। अभी हो गया है, इसी तरीके से मैं उसको कटिंग करके ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से
देखिए इस तरीके से उसको कटिंग करके लेना है। देखिए मैं बैक साइड को इस तरीके से इसके ऊपर रख के ड्रॉ करके लिया, लेकिन मैं आगे से हुक लुक बनाने वाली हूँ इसलिए हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। देखिए इस तरीके से मैं उसको ड्रॉ करके लिया और हाफ इंच यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा लिया, मतलब सिलाई मार्जिन के लिए, हुक लुक के लिए। देखिए अभी देखिए जितना मेरा ब्लाउज का लंबाई है उससे मैं एक इंच ज़्यादा लिया। ये जो फ्रंट का ब्लाउज है ये जितना लंबा है ब्लाउज का उससे एक इंच ज़्यादा लिया। लेने के बाद अभी देखिए यहाँ से गले देखिए ये हाफ इंच छोड़ के लेना है, सिलाई मार्जिन छोड़ के। देखिए यहाँ से 3 इंच लिया था बैक साइड में, तो आगे का जो गला है वो आगे का गला 2.5 इंच पे ले रही हूँ मैं, इसको ड्रॉ करके ले रही हूँ। फिर इस तरह से लाइन को ड्रॉ करके लेना है इसके साथ, फिर आगे का गला जो है उसको शेप दे देना है, इस तरीके से उसको शेप दे देना है। आप चाहे तो 3 साढ़े 3 भी रख सकते हो आपका हिसाब से, मतलब नीचे भी रख सकते हो, बड़ा भी रख सकते हो, 5-6 इंच का भी रख सकते हो आपका। मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन करना है इसलिए मैं इस तरीके से शेप दिया, आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी देखिए ये लाइन को, ये आर्म होल का लाइन है, इसको भी ड्रॉ करके लेती हूँ। देखिए इसको कितना लिया था, 7 इंच लिया था, इसको भी इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से ले लेना है। सिलाई मार्जिन भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अभी देखिए बास्ट पॉइंट लेना है, बास्ट पॉइंट कितना है देखिए, बास्ट पॉइंट जो है वो 10.25 है, तो 10.25 रहेगा तो हाफ इंच ज़्यादा लेना है, तो मैं 10.25 इंच पे उसको ड्रॉ किया, इस तरह से उसको ड्रॉ किया। अभी जो फुल बास्ट है वो फुल बास्ट कितना है, फुल बास्ट 36 है, तो 36 को 10 से डिवाइड करना है, जो फुल बास्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है फुल बास्ट को। तो फुल बास्ट को 10 से डिवाइड करने के बाद देखिए यह तो हाफ इंच इसको रखना है, यहाँ से देखें 3.6 लेना है, 10 से डिवाइड करने के बाद 3.6 आया। अभी देखें यहाँ से नीचे जो बेल्ट है उसके लिए 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है, इस तरह से 1.5 इंच उठाना है। उठाने के बाद देखिए इस तरीके से लेना है। अभी देख ये जो लाइन है इसको इतना तक लेके आना है, फिर यहाँ से देखिए जो बेल्ट है उसके लिए शेप देने के लिए 1 इंच ऊपर का तरफ उठा के लिया, इस तरह से उठाने के बाद ये लाइन को इस तरह से उसको शेप में दे देना है, मतलब थोड़ा सा गोलाई पे इसको शेप दे देना है इस तरीके से। अभी नीचे से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, देखिए इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से, मतलब जितना है बैक साइड का उतना लेके, मतलब इस तरीके से आप शेप दे सकते हो। मतलब देखिए जितना है बैक साइड का मैंने जितना लिया उतना ले लेना है, खाली मैं आपको दिखाने के लिए ये वाला दिखाया। यहाँ से देखिए 3.5 इंच लेना है, यहाँ से 2.5 इंच लेना है बेल्ट के लिए। अभी देखिए इसको इस तरह से उसको थोड़ा सा डाउन करके जो कटोरी का शेप इस तरीके से मैं इसको दे रही हूँ, और यहाँ से मतलब वो थोड़ा ज़्यादा हो गया उधर, इस साइड में थोड़ा सा डाउन करके देना है। अभी यहाँ देखिए हाफ हाफ इंच का टक्स देना है, टोटल 1 इंच का टक्स लेना है, हाफ हाफ इंच का टक्स देना है, ये टक्स पॉइंट ए पॉइंट के साथ जोड़ देना है इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैं टक्स नहीं लगा रही हूँ, मतलब 3 टक्स का ही मैं बना रही हूँ, चाहे तो आप 2 टक्स का भी बना सकते हो। यहाँ से देखें कितना दूरी पर लेना है, यहाँ पर देखिए 1.25 इंच का दूरी पर मैं ये वाला टक्स लगा रही हूँ, यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ भी 1.25 इंच का टक्स, टोटल 1/2 इंच का टक्स देना है। देखिए यहाँ पर 1/2 इंच का टक्स देना है। देने के बाद यहाँ से भी देखिए मैं और एक टक्स लगा रही हूँ, खाली आर्म होल पर नहीं दे रही हूँ, यहाँ से भी मैं 1/2 इंच दूरी पर और एक टक्स लगा रही हूँ। देखिए जैसे कि सादा ब्लाउज का होती है उस तरीके से, ये वाला टक्स को मैं देखें यहाँ जो लाइन है थोड़ा सा मैं क्रॉस करके उसको ले रही हूँ यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए ये पूरा हो गए, लेकिन आगे का जो गला है मुझे 9 इंच रखना है, तो 9 इंच देखिए इस तरीके से रखना है, देखिए इस तरीके से। देखिए आप चाहे तो थोड़ा कम भी रख सकते हो, 8.5 भी रख सकते हो, मतलब देखिए ये नॉर्मल रहेगा, 8.5 रही है तो नॉर्मल रहेगा, इस तरीके से मुझे इतना तक कटिंग करना। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये जो फ्रंट का पार्ट है इस तरीके से मैं कट कर लिया, देखिए इस तरीके से बीच में से इसको कट करके लेना है इस तरीके से। और मैंने थोड़ा सा नीचे का जो क्रॉस पुट्टी है ज़्यादा रखा, क्योंकि ये कपड़ा को अंदर फोल्ड करके लेने वाली हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया। अभी आपको स्टिचिंग करके मैं दिखाती हूँ, पूरा कटिंग हो गई, ये देखिए बैक साइड, ये फ्रंट है, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अभी देखिए उसको स्टिचिंग करना है, ये बैक साइड है, बैक साइड को पहला इसे खोल के लेना है, पहले उसको गले को पुट्टी लगा के लेना है, गले पट्टी को इस तरह से मैं लगा लिया। लगाने के बाद अभी बैक साइड को टक्स लगा देना है,
बैक साइड को टक्स बिठा दिया। अभी जो फ्रंट है उसका सिला रही हूँ। पहला देखिए इस तरीके से ये आगे का गला है और मैं इस तरीके से उसको पट्टी इस तरीके से काट के लिया। गला का जैसे शेप है उसी तरीके से उसको काट के लिया। इस तरीके से उसको ऊपर से सिलाई लगाने वाली हूँ। अभी देखिए इसको फ्रंट को टक्स लगा लेना है, जैसा मैंने ड्रॉ किया वैसा ही टक्स लगा के लेना है। अभी देखिए मैंने इस तरीके से तीन टक्स लगा लिया, मतलब जैसा मेजरमेंट किया तो वैसा ही। देखिए ये कोटरी का जो शेप है ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी देखिए ये जो गला पट्टी है इसको लगाना है, इसको भी लगा के लेना है, इसके साथ एक ही बार में लगा के लेना है। अभी देखिए गला का जैसे शेप है उसके हिसाब से ऊपर से एक मैं इसी तरीके से पट्टी काट लिया। पट्टी को पहला साइड से इस तरह से टिप लगा के लिया, लेने के बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा के लेने वाली हूँ। अभी देखिए गला पट्टी लगा दिया और गला पट्टी मैं देखिए ऐसा क्रॉस करके इस तरीके से 9 इंच तक ही लगाया। देखिए इस तरीके से 9 इंच 8.5 इंच तक लगाया इस तरीके से। करने के बाद देखिए सीधा ही लगा, इसको इस तरीके से पाल्टी करके लेना है। अभी देखिए इस तरीके से गला पट्टी को मैं पाल्टी कर लिया। इसको प्रेस करके मैं थोड़ा सा इस तरह से करने वाली हूँ, इसको ऊपर से इस तरीके से उसको करने वाली हूँ। अभी देखिए इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके लिया। आप चाहे तो नॉर्मल गला भी बना सकते हो, गोल गला कैसे भी आपका हिसाब से। अभी नीचे का जो क्रॉस पट्टी है उसको लगा लेना है इस तरीके से, उसको ऊपर से सिलाई लगा के लेना है। नीचे का जो बेल्ट है वो मैंने लगा लिया। अभी देखिए हुक लुक लगा लिया। अभी शोल्डर को जॉइंट करना है, दोनों शोल्डर बैक साइड के साथ जॉइंट करके ले रही हूँ। देखिए शोल्डर जॉइंट करने के बाद अभी कमर पट्टी भी लगा लिया। अभी फिटिंग करने का है, फिर पूरा हो जाएगा फिटिंग। देखिए जितना तक आर्म होल है, आर्म होल का जितना तक लाइन को ड्रॉ किया था उतना तक ही फिटिंग करना है। देखिए साइड में है ये आर्म होल का, इतना तक ही फिटिंग करके लाना है, इसके ऊपर नहीं लेके जाना है। देखिए इसके ऊपर नहीं लेके जाना है, आर्म होल का इतना तक ही लाना है। देखिए मैं इतना तक ही सिलाई लाया, अब बाकी ऊपर का जो ये है आर्म होल है उसको छोड़ दिया। फिर वापस रिटर्न इधर पैक करके लेना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मशीन को रिटर्न लेके आना है इस तरीके से, दोनों साइड में इस तरीके से टिप लगा के। मैं आपको फिर से और एक बार दिखा रही हूँ। देखिए इतना तक ही लाया, ये देखिए ये आर्म होल के लिए रख दिया, इतना तक पूरा नहीं लेके गई मैं, इतना तक लाया। अभी देखिए जितना कमर है उतना फिटिंग कर लिया आर्म होल का नीचे तक, पूरा आर्म होल को नहीं लिया। अभी देखिए यहाँ पर काट लगा के लेना है, यहाँ पर जो स्लिप्स है, मतलब स्लिप्स तो नहीं है, देखिए ये बगल में थोड़ा सा कट करके लेना है ताकि जो पट्टी है वो आसानी से अंदर का तरफ इस तरह से, मतलब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड हो जाए। देखिए इस तरीके से उसको देखिए और थोड़ा सा कट के लेना है। देखिए थोड़ा सा ऐसा, देखिए फिर उसको हाथ सिलाई लगा के लेना है। देखिए इस तरीके से आसानी से ये फोल्ड हो गए। देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये जो बगल का शेप है वो आ गई। देखिए यहाँ से देखिए, देखिए इस तरीके से मैं उसको हाथ सिलाई कर लिया पलटी करके। अभी आपको फाइनल लुक दिखा। देखिए फ्रेंड इस तरह से कुछ उसका लुक्स है। और ये देखिए स्लिप्स जो है इस तरीके से है, उसका स्लिप्स तो नहीं है लेकिन देखिए स्लिप्स का जैसे दिख रही है उसका। देखिए बैक साइड इस तरीके से है उसका लुक, और पूरा फाइनल रेडी हो गए। मैं गले का थोड़ा सा इस तरह का शेप किया, मतलब शेप दिया। अब ये पूरा फाइनल हो गए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।